नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले, बिहारी न्यूज चैनल ने 2 मिलियन सब्सक्राइबर का सफर पूरा कर लिया है। इस सफर में आप दर्शकों का भरपूर साथ और प्यार मिल रहा है। इसके लिए बिहारी न्यूज के हर एक सब्सक्राइबर को धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपका साथ आगे भी इसी तरह बना रहेगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार में कोविड-19 के मामलों में फिर से दिखी बढ़ोतरी। शराबबंदी कानून में संशोधन को लेकर जारी चर्चा पर तारकिशोर प्रसाद ने दिया बयान। बिहार में अब शुरू हुई है असली ठंड। बिहार में अतिक्रमण कर जमीन कब्जा करने वाले के लिए बुरी खबर। कोरोना को लेकर अभी बिहार भर में जारी रहेगी सख्ती। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में कोविड-19 के मामलों में फिर से दिखी बढ़ोतरी। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर के 4,551 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,883 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 64, अरवल में 49, औरंगाबाद में 32, बांका में 75, बेगूसराय में 192, भागलपुर में 132, भोजपुर में 50, बक्सर में 56, दरभंगा में 157, ईस्ट चंपारण में 66, गया में 44, गोपालगंज में 38, जमुई में 62, जहानाबाद में 32, कैमूर में 54, कटिहार में 107, खगड़िया में 49, किशनगंज में 59, लखीसराय में 36, मधेपुरा में 101, मधुबनी में 95, मुंगेर में 133, मुजफ्फरपुर में 217, नालंदा में 107, नवादा में 27, पटना में 1218, पूर्णिया में 192, रोहतास में 55, सहरसा में 61, समस्तीपुर में 399, सारण में 136, शेखपुरा में 8, शिवहर में 28, सीतामढ़ी में 67, सिवान में 47, सुपौल में 42, वैशाली में 123, वेस्ट चंपारण में 86 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 55 ऐसे मामलों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जो कि दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनकी जांच बिहार के अलग अलग जिलों में हुई है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गोपाल सिंह नेपाली की। गोपाल सिंह नेपाली हिंदी और नेपाली के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने बम्बैया हिंदी फिल्मों के लिए गाने भी लिखे। वो एक पत्रकार भी थे जिन्होंने रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा एवं योगी नामक 4 पत्रिकाओं का संपादन भी किया। साल 1962 के चीनी आक्रमण के समय उन्होंने कई देशभक्ति पूर्ण गीत और कविताएं लिखी, जिनमें सावन, कल्पना, नीलिमा, नवीन कल्पना करो आदि बहुत प्रसिद्ध है। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया में हुआ था। उनका मूल नाम गोपाल बहादुर सिंह था। 17 अप्रैल 1963 को इनका निधन हो गया था। कोरोना को लेकर अभी बिहार भर में जारी रहेगी सख्ती। कोरोना के मामलों में बिहार में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। आलम कुछ यूं है कि मामलों में किसी दिन गिरावट है तो कभी बढ़ोतरी दिख रही है, जिसके बाद से ही लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि शायद कोरोना से बचाव को लेकर जारी किए गए सख्त नियमों में थोड़ी ढील दी जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि राज्य आपदा प्रबंधन समिति ने पूर्व के प्रतिबंधों में किसी तरह के बदलाव या ढील देने से इनकार कर दिया है। लेकिन सीएमजी ने कोई नया प्रतिबंध भी नहीं लगाया है। राज्य आपदा प्रबंधन समिति की माने तो कोरोना से निपटने को लेकर सरकार की तरफ से की गई सख्ती अभी जारी रहेगी, क्योंकि भले ही मामले अभी कम आ रहे हो लेकिन ढिलाई भारी पड़ सकती है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस, तकनीशियन अप्रेंटिस के कुल मिलाकर 571 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, अकाउंटेंसी, डेटा एंट्री, रिटेल सेल्स है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 10+2 के साथ प्रासंगिक विषय में आईटीआई या संबंधित विषय में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 15 फरवरी 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार में 13 कंपनियां करेंगी मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन। कोरोना की इस तीसरी लहर में भले ही अभी मामलों में कोई खास उछाल देखने को नहीं मिल रहा हो, लेकिन अभी अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या में भी वृद्धि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी एहतियातन सरकार अपनी तरफ से कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि राज्य सरकार योजना के अनुसार बिहार में पर्याप्त ऑक्सीजन के उत्पादन पर ध्यान दे रही है। इसी को लेकर बिहार की 13 औद्योगिक इकाइयों ने मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने की इच्छा जताई है। ये इकाइयां शॉर्ट नोटिस पर मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन कर राज्य की जरूरतों के लिए आपूर्ति कर सकती हैं। उद्योग विभाग के तकनीकी विकास निदेशक ने ऐसी कंपनियों के साथ बैठक कर उन्हें अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। बिहार में अब शुरू हुई है
असली ठंड। दिसंबर का महीना जैसे ही आया, बिहार वासियों को ये उम्मीद थी कि हाड़ कपाने वाली ठंड का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद बिहार वासियों को भी बेसब्री से ठंड का इंतजार था, जिसका आगमन अब हो गया है। बीते 2-3 दिनों से जिस तरीके से ठंड बिहार में पड़ रही है, मौसम वैज्ञानिकों का माने तो बिहार में असली ठंड की शुरुआत ही अभी हुई है। चिंता की बात यह है कि बिहार वासियों को फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी और दक्षिण मध्य भाग के पटना समेत गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, शेखपुरा और जहानाबाद में कोल्ड डे की स्थिति बने रहने का पूर्वानुमान है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। बिहार में बैंकों ने मांगी हर शनिवार को बंदी। बिहार में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, ऐसे में लॉकडाउन तो सरकार लगाने के पक्ष में नहीं है, साथ ही कई कार्यालय भी सुचारू रूप से ही संचालित इस दौरान किए जा रहे हैं, जिसमें से एक बैंक भी है। यही कारण है कि बैंकों में तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या भी बढ़ने के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब बिहार के सभी बैंकों ने हर शनिवार को बंद करने की मांग की है। इसको लेकर सीएम को पत्र लिखकर बैंकों ने कोरोना से बैंक कर्मियों और उनके परिवार को बचाने की मांग की है, जो कि द बिहार स्टेट इलाहाबाद बैंक स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से लिखी गई है। जारी पत्र में कहा गया है कि बैंक कर्मचारियों के लिए बहुत जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि शाखा परिसर के अंदर भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता, ऐसे में हमारी सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया जाए। गणतंत्र दिवस में प्रवेश से पहले होगा ये। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेज है। हालांकि कोरोना के कारण गणतंत्र दिवस के मौके पर किसी भव्य कार्यक्रम का आयोजन तो इस बार भी नहीं हो रहा, लेकिन छोटे कार्यक्रम के आयोजन के लिए ही तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसके तहत गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में सुरक्षा और कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए 5 बेड का अस्थायी हॉस्पिटल बनाया जाएगा। साथ ही किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निकलने के लिए मैदान के चारों तरफ 10 एम्बुलेंस तैनात रहेंगी। इसके साथ ही गांधी मैदान में प्रवेश के पहले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए 10 टीमें तैनात कर रही है। समारोह में कोरोना वॉरियर्स को बुलाने और सामाजिक दूरी के साथ बैठने की व्यवस्था की जाएगी। करीब 75 कोरोना वॉरियर्स को बुलाया जाएगा, जिनकी जानकारी जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने दी। जिलों के अफसरों को छुट्टी पर जाने के लिए इनसे लेनी होगी अनुमति। अब बिहार शिक्षा विभाग के अधीन प्रखंड, जिले और प्रमंडलों में कार्यरत शिक्षकों को अब अवकाश पर जाने से पहले मुख्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यानी कि साफ है कि अब जिले के अफसर बिना बताए अपनी मर्जी से अवकाश पर नहीं जा सकते। मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के अधीन प्रखंड, जिले और प्रमंडलों में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षा विभाग की तरफ से इस बाबत पहले भी निर्देश जारी कर दिया गया है, लेकिन विभाग के इन आदेशों को शिक्षकों ने मानना मुनासिब नहीं समझा। यही कारण है कि अब एक बार फिर से ये सख्तियां लगाई गई हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया। अभी सिर्फ विभाग के निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव सुशील कुमार ने इसको लेकर सभी RDDE, सभी DEO, DPO, सभी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधान को निर्देश जारी किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री हुए कोरोना से ठीक, इस वेरिएंट से हुए थे संक्रमित। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की मार देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार की मार में बिहार के मुखिया सीएम नीतीश भी चपेटे में आ गए थे। हालांकि अब इस बात का खुलासा नहीं हुआ था कि उन्हें कोरोना की किस वेरिएंट ने संक्रमित किया था, लेकिन बीते दिन इसको लेकर बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत खुलासा हुआ है कि सीएम नीतीश की ओमिक्रॉन वेरिएंट से वो ग्रसित हुए थे। इतना ही नहीं, इस नए वेरिएंट से सिर्फ सीएम नीतीश ही नहीं बल्कि अपर मुख्य सचिव समेत 40 में यही वेरिएंट पाया गया है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से बीते दिन यह जानकारी साझा की गई। वहीं सीएम नीतीश की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। बिहार में अतिक्रमण कर जमीन कब्जा करने वालों के लिए बुरी खबर। लोक भूमि पर कब्जा करने वाले जिद्दी अतिक्रमणकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया गया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीधे जेल भेजा जाए। विभाग ने आदेश उन शिकायतों के संदर्भ में दिया है, जिसमें बताया गया है कि अतिक्रमण मुक्त होने के बाद उस जमीन पर दोबारा कब्जा कर लिया जाता है। इसको लेकर बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम में संशोधन के बाद अतिक्रमणकारियों को अधिकतम 1 साल की सजा देने का प्रावधान कर दिया गया है। इसका उपयोग नहीं होता है, यह संशोधन 2012 में हुआ था। इससे पहले सिर्फ जुर्माने का प्रावधान था। इसको लेकर अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने जानकारी दी है, साथ ही प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भी जारी कर दिया है। पुलिस में सिपाही भर्ती की पीईटी परीक्षा स्थगित। कोरोना के इस तीसरे लहर में एक के बाद एक कई परीक्षाएं धीरे धीरे करके स्थगित की जा रही है। हाल ही में बीपीएससी की तरफ से सीडीपीओ परीक्षा को स्थगित करने के बाद बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की पीईटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, जो कि 28 जनवरी से होने वाली थी। इसको लेकर केंद्रीय चयन परिषद ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। आयोग ने कहा है कि 28 जनवरी से 4 फरवरी 2022 तक जारी होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से रद्द कर दिया गया है। इसकी नई तारीख को फिर से निर्धारित कर केंद्रीय चयन परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि ध्यान रहे, 9 फरवरी 2022 से होने वाली परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। आयोग ने कहा है कि 9 फरवरी से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक शारीरिक दक्षता परीक्षा यथावत होगी।
नाकाबंदी कानून में संशोधन को लेकर जारी चर्चा पर तारकिशोर प्रसाद ने दिया बयान। बिहार में बीते दिन सुबह से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि शराबबंदी कानून में बिहार सरकार कुछ संशोधन करने वाली है, जिसके बाद से विपक्ष के कान भी खड़े हो गए थे। लेकिन बीती शाम को उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इन सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके तहत मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार में शराबबंदी है और आगे भी जारी रहेगी। लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, जो सरकार कर रही है। इस कानून को लेकर जदयू और भाजपा में भी कोई मतभेद नहीं है। इसके साथ ही बिहार में सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार का विकास लगातार हो रहा है, शराबबंदी कानून पर एनडीए कायम है, जिसके बाद ही इन तमाम मुद्दों पर जारी अटकलों पर पूर्ण विराम लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजली के लिए बिहार अब नहीं होगा किसी पर भी निर्भर। अब बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली बिजली परियोजना नवी नगर पावर जेनरेटिंग कंपनी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इससे 1980 मेगावाट बिजली का न केवल उत्पादन होगा, बल्कि इसमें बिहार को 1683 मेगावाट सस्ती बिजली मिलने से हर साल 150 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। नीतीश कुमार के खास और प्रधान सचिव चंचल कुमार जाएंगे दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लंबे समय से प्रधान सचिव रहे चंचल कुमार अब दिल्ली जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हें केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा जा रहा है। वो नेशनल हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी बनेंगे। इसको लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने वो एडिशनल सेक्रेटरी रैंक स्तर के होने वाले हैं। इसके साथ ही आईटीआई कानपुर के एमटेक चंचल कुमार 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से रेल मंत्री थे तब से वो उनके साथी हैं। वीआईपी ने यूपी चुनाव के लिए जारी की 25 उम्मीदवारों की पहली सूची। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाले विकासशील इंसान पार्टी ने बीते दिन अपने विधायकों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसके तहत पहली लिस्ट में 25 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव के लिए एक वॉर रूम का उद्घाटन भी कर दिया है। पार्टी ने दावा किया है कि दो दिन से पार्टी कार्यालय में चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ टिकट के लिए पार्टी कार्यालय में जमे हुए हैं। उसके बाद अब धीरे धीरे करके 165 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की तैयारी हो रही है, जिनमें से 25 के नाम की घोषणा कर दी गई है। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट में हुई भारी गड़बड़ी पर पटना हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। बिहार सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत कई योजनाओं का संचालन कर रही है, जिसमें से कुछ तो सफल हुए हैं, वहीं कुछ की हालत बेहद ही चिंताजनक है। वहीं कुछ में भारी गड़बड़ी की शिकायतें भी सामने आती रहती है। इसी कड़ी में हाल ही में राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा प्रारंभ किए गए हर घर नल का जल योजना में हुई गड़बड़ी और बढ़ती गई अनियमितताओं की जानकारी सामने आई है, जिस पर अब पटना हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। दायर जनहित याचिका में यह कहा गया है कि इस योजना में अनियमितताएं बरतने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही इस हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन सही ढंग से किया जाए। यह आम जनता के हितों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी महत्वपूर्ण योजना है। बजट सत्र में राजद कर रही अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। मौसम भले ही ठंड का हो, लेकिन बिहार की सियासत अलग अलग मुद्दों को लेकर हमेशा ही गर्म रहती है। वहीं बीते दिन की सुबह से ही मीडिया में ऐसी खबरें चल रही थी कि शराबबंदी कानून को लेकर बिहार सरकार संशोधन की तैयारी कर रही है। ऐसे में नहले पर दहला मारते हुए राजद ने बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को उठाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि शराबबंदी कानून में कई खामियां हैं, यही कारण है कि अगर संशोधन बिहार की जनता और राजद के मुताबिक नहीं आया तो विधानसभा के बजट सत्र में राजद इस मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और वोटिंग की मांग करेगी। आज दिल्ली में होगी जदयू की अहम बैठक। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आज राजधानी दिल्ली में जदयू की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जहां पर उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार को जदयू उतारने वाली है इसका निर्णय लिया जाएगा। इसको लेकर बीते दिन लखनऊ में बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसके बाद आज राजधानी दिल्ली में पार्टी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग बुलाई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में हो रही इस बैठक में जदयू के शीर्ष नेता के साथ साथ यूपी इकाई के कई नेता मौजूद रहेंगे। इस बैठक के माध्यम से जदयू उम्मीदवारों पर अंतिम मोहर लगाने की पूरी संभावना है। हालांकि इससे पहले ही केसी त्यागी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में जदयू अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, जिसके बाद अब सबकी निगाहें आज होने वाली बैठक पर। वार्ड सचिवों को मिला अब आम आदमी पार्टी का साथ। बीते कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे वार्ड सचिव के मुद्दे पर सरकार भले ही आंखें मूंदे बैठी हो, लेकिन विपक्ष का साथ उन्हें खूब मिल रहा है। यही कारण है कि पहले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, पप्पू यादव समेत कई विपक्षी दलों के समर्थन के बाद अब बिहार के सभी वार्ड सचिव को आम आदमी पार्टी का साथ भी मिल गया, जिसके तहत उनके आंदोलन को और मजबूती मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जिसके तहत ही 1,14,691 वार्ड सचिव का समर्थन करते हुए आज सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में कार्यरत वार्ड सचिवों की सेवा नियमित करने के संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिख दिया गया है। यह चिंताजनक है कि इन लोगों को इतने लंबे शासनकाल में परिश्रमिक तो नहीं दिया गया और अब इनकी सेवा भी समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए। साफ रहना है तो ठीक से रहिए, अनाप शनाप बातें बर्दाश्त नहीं। बिहार की राजनीति में इन दिनों विभिन्न मुद्दों पर एनडीए के दलों का अलग अलग स्टैंड है। यहां
किसी मुद्दे पर दोनों ही दल एक साथ नजर आते हैं, तो वहीं जब बात शराबबंदी और विशेष राज्य के दर्जे की होती है तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। इन सबके बीच इन दिनों शराबबंदी के मुद्दे पर दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ तो है ही। पहले भाजपा की तरफ से मर्यादा में रहने की नसीहत देने के बाद अब जदयू विधायक संजीव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए नया फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि अगर गठबंधन में रहना है तो ठीक से रहिए, अनाप शनाप बातें बर्दाश्त के बाहर है। मीडिया में अनाप शनाप बोलने से बेहतर है कि वो एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात करे, जब अन्य मसलों पर बात हो सकती है तो इस पर क्यों नहीं। इस मामले में तेजस्वी समेत लालू परिवार की बढ़ सकती है मुश्किलें। घोटालों और लालू परिवार का पीछा एक दूसरे से नहीं छूटता, एक मामला गया नहीं कि दूसरा मामला तैयार होता है। चारा घोटाला मामले में भी अभी लालू प्रसाद यादव को क्लीन चिट मिली भी नहीं थी कि अब एक और घोटाले में लालू परिवार के फंसने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि IRCTC घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। निचली अदालत में सुनवाई में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि IRCTC घोटाला मामला जिस समय चर्चा में आया था उस समय लालू परिवार का नाम आया था। इस घोटाले में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी इंदिरा गांधी को 1966 में आज ही के दिन भारत का तीसरा प्रधानमंत्री चुना गया। हिमाचल प्रदेश में 1975 में भूकंप आया। पाकिस्तान में भारतीय राजनयिक सुधीर व्यास को 2003 में प्रताड़ित किया गया। सानिया मिर्जा 2005 में लॉन टेनिस के ऑस्ट्रेलिया ओपन के तीसरे दौरे में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद बिन तैमूर अल सईद को 2007 में जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान करने का फैसला हुआ। 2009 में सूर्य शेखर गांगुली ने पार्श्वनाथ शतरंज खिताब जीता। 1919 में फिल्म जगत के मशहूर उर्दू शायर कैफी आजमी का जन्म हुआ। 1597 में मेवाड़ के राजपूत शेर महाराणा प्रताप का निधन हुआ था। 1905 में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता और भारतीय चिंतक विचारक देवेंद्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था। बुमराह के बाद केएल राहुल ने भी टेस्ट कप्तान बनने की जताई इच्छा। टेस्ट कैप्टनसी में जब से विराट कोहली ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है, इस पद को लेकर कई खिलाड़ियों की अब तक निजी राय सामने आ चुकी है। हाल ही में बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट टीम की कप्तानी संभालने की बात कही थी, जिसके बाद अब बीते दिन कप्तानी के इस रेस में केएल राहुल का नाम भी सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार राहुल भारत के पूर्णकालिक टेस्ट कप्तान बनने के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन उन्होंने मंगलवार को कहा कि यदि उन्हें इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुना जाता है तो वो टीम को आगे ले जाने में अपनी पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि देश की अगुवाई करना किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है और ये ऐसा है जिसे वो लंबे समय तक संजोकर रखेगा। आ रहा है WhatsApp पर फोटो एडिटिंग से जुड़ा कमाल का फीचर। WhatsApp ऐप से जुड़े नए फीचर जोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। इस बार ये फीचर कॉल से नहीं बल्कि फोटो से जुड़ा है। जल्दी यूजर को ऐप में ही इमेज को भेजने से पहले एडिट करने के लिए कई तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसे में आपको कोई थर्ड पार्टी या कोई और ऐप से फोटो को एडिट करने की जरूरत नहीं होगी। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार पॉपुलर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म इनबिल्ट मीडिया एडिटर में दो नए पेंसिल जोड़ रहा है। इसका मतलब यह होगा कि WhatsApp में जल्दी आपको तीन तरह की पेंसिल मिल सकती है। बता दें कि अभी ऐप में यूजर के लिए सिर्फ एक पेंसिल दी गई है, लेकिन जल्द यूजर को तीन साइज की पेंसिल मिलेगी जो यूजर की फोटो और स्क्रीनशॉट एडिटिंग में मदद करेगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है शिव शंकर, मंटू मौर्य, चंद्र पासवान, युवराज पटेल, शंकर मुखिया, विशाल भंसाली, संतोष कुमार, चंपा देवी, बबिता यादव, प्रिया यादव, बिट्टू कुमार, पूजा कुमारी। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आप सभी के साथ और प्यार के कारण बिहारी न्यूज आज 2 मिलियन सब्सक्राइबर के लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब रहा। ऐसे में 25 खबरों को बेहतर बनाने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।